ने राक्षसों के बारे में सुना था, पहली बार एक राक्षस को देखा। साल 2018 क्रिसमस के मौके पर कन्नड़ा की फिल्म आई जिसका नाम था KGF चैप्टर 1। इस फिल्म को रिलीज किया गया कई भाषाओं में, कन्नड़ा, तमिल, तेलुगु, मलयालम, हिंदी, इन सभी भाषाओं में ये फिल्म सामने आई और उसके बाद ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर पूरी तरह से छा गई। लेकिन किसी भी शख्स को इस बात पर विश्वास था ही नहीं कि ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर आकर इतना गजब दिखा पाएगी, जबकि इस फिल्म को तो ट्रॉल तक किया गया था, इसका मजाक बनाया गया था कि भाई ये क्या फिल्म बना दी है आप लोगों ने। यहाँ पर प्रोड्यूसर हो, डायरेक्टर हो, फिल्म के अंदर काम करने वाले यहाँ पर स्टार्स ही क्यों ना हो, हर किसी को ट्रॉल करते हुए यहाँ पर बेइज्जत करते हुए देखा गया। लेकिन फिल्म यहाँ पर अपना जवाब लेकर सामने उतरी बॉक्स ऑफिस पर, और यहाँ जितना रिस्पॉन्स ऑडियंस की ओर से सामने आया इस फिल्म को देखने के बाद, उन सभी ट्रॉलर्स को यहाँ जवाब मिल गया कि फिल्म के अंदर कितना बेहतरीन काम है और फिल्म कितनी ज्यादा शानदार है। यहाँ फिल्म साल 2018 की सबसे हिट फिल्मों में शामिल हो गई और कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में इस फिल्म ने एक बड़ा मुकाम हासिल किया, और वो एक मुकाम ऐसा था कि पहली लौटी फिल्म ये बन गई जिसने 250 करोड़ की कमाई कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री में की, और बाकी कमाई तो बिल्कुल अलग ही थी जो अलग भाषाओं से हुई। और ऐसे में कन्नड़ा फिल्म ये हिट होती हुई सामने आई जब से इंतजार किया जा रहा है KGF चैप्टर 2 का, क्योंकि KGF चैप्टर 1 के आखिर में ही ये बात बता दी गई थी कि चैप्टर 2 आने वाला है, वो तो नाम से भी साफ तौर पर पता चलता ही है। लेकिन जितना चटपटा मसाला था KGF चैप्टर 1 में, KGF चैप्टर 2 को देखने की एक्साइटमेंट उससे हद से ज्यादा बढ़ चुकी है अब हर किसी की जिसने KGF चैप्टर 1 को पसंद किया है। किसी ने इस बात पर यकीन नहीं किया था कि साउथ इंडस्ट्री से बॉलीवुड इंडस्ट्री में छाने वाली फिल्म बाहुबली के बाद एक KGF भी ऐसी फिल्म बन जाएगी। प्रशांत नील जो इतने बड़े डायरेक्टर नहीं थे, उन्होंने अपना काम बहुत ही ज्यादा अच्छे से किया, और प्रशांत नील के डायरेक्शन में KGF चैप्टर 2 बनने जा रही है जिसमें इस बार आप सभी को यश यानी कि रॉकी का मसाला तो देखने को मिलने ही वाला है, लेकिन इसी के साथ आप सभी देखने वाले हैं इस फिल्म में संजय दत्त को भी। इस फिल्म के बारे में बात करने से पहले हम यहाँ आपको बताना चाहेंगे कि ये फिल्म आ कब रही है। जब कहा जा रहा था कि KGF चैप्टर 2 आएगी तो रिलीज डेट फाइनल हुई थी इसकी साल 2019 क्रिसमस के मौके पर, लेकिन इस फिल्म की रिलीज डेट टल गई है जिसके पीछे की वजह कहीं ना कहीं बोला जाता है दबंग 3 को। लेकिन ये फिल्म अब आने जा रही है अप्रैल 2020 को, जिसके पीछे की वजह यहाँ एक और है कि इस फिल्म को किसी भी हॉलीडे की जरूरत नहीं, यानी कि एक ऐसे दिन की जरूरत नहीं है जिस दिन छुट्टी लेकर लोग इस फिल्म को देखने के लिए जाएं। ये फिल्म क्लैश भी करने वाली है दो बड़ी फिल्मों के साथ बॉलीवुड की, जो है 83 जिसमें नजर आने वाले हैं आप सभी को रणवीर सिंह, और नजर आने वाली है आपको दीपिका पादुकोण, तो वही दूसरी ओर यहां पर होगी रोहित शेट्टी की फिल्म सूर्यवंशी जिसमें अक्षय कुमार एक्शन का तड़का लगाते हुए कैटरीना कैफ के साथ दिखाई देंगे। दो बड़ी फिल्मों की क्लैश के साथ इस फिल्म को रिलीज किया जाएगा, लेकिन फिर भी किसी भी बात का डर नहीं क्योंकि इस फिल्म ने अपनी ऑडियंस पहले ही अलग बना दी है। KGF चैप्टर 2 में आप सभी को वही पुराने लव कपल नजर आने वाले हैं, लेकिन संजय दत्त का मसाला भी आप सभी को विलन के तौर पर नजर आएगा, तो वही रवीना टंडन भी इस फिल्म में हो सकती है, लेकिन अभी तक ये बात कंफर्म नहीं हो पाई है। इस फिल्म ने बहुत बर्स क्रिएट कर लिया है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंतजार है जहां इस फिल्म के रिलीज डेट का, तो वही इंतजार है इस फिल्म के मोशन पोस्टर और ट्रेलर को भी देखने का। कहा जा रहा है कि मोशन पोस्टर आप सभी के सामने दिसंबर के अंत तक सामने आ जाएगा, तो वहीं इस फिल्म के ट्रेलर को लॉन्च उसके बाद जल्द ही किया जाएगा, जहां मोशन पोस्टर में आप सभी फिल्म के हीरो और विलन को देखेंगे यानी कि यश, और देखा जाएगा साथ ही संजय दत्त को।
तो वहीं फिल्म के ट्रेलर को आप सभी के सामने पेश किया जाएगा फरवरी के अंत या मार्च की स्टार्टिंग में, और अप्रैल 2020 के अंत तक फिल्म को रिलीज कर दिया जाएगा। अभी तक इस फिल्म की रिलीज डेट भी फाइनल नहीं हो पाई है, लेकिन इंतजार है सिर्फ मोशन पोस्टर और ट्रेलर को फिलहाल देखने का। कितने एक्साइटेड आप सभी हैं फिल्म के लिए, ये कमेंट करके जरूर बताएगा, और इस वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब के बिना बिल्कुल ना जाएं।